हेलो, हाँ सर बताइए। विकास, मैंने तुम्हारे मोबाइल पे रोहित का एड्रेस मैसेज किया है, ठीक है? ओके सर। हाँ सर जा रहा हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक ठीक है। ओहो, जोर की लगी है, थोड़ा हल्का हो लूँ फिर चलूँगा यार। बड़ा भयंकर जंगल है भाई, कहाँ कहाँ सर भेज देते हैं। थोड़ा सिगरेट पी लें फिर आराम से चलेंगे। अरे यार, तुम्हें क्या हो रहा है? मत पियो। अरे यार, तुम्हें क्या हो रहा है? मैं पीऊं या ना पीऊं? अरे मत पियो। अरे यार, मैं पीऊं या ना पीऊं? तुम्हें क्या हो रहा है? थैंक गॉड, ये सपना था। हेलो, कोई है क्या? ये रोहित त्रिपाठी का घर है? नहीं, ये उनका नहीं है। आप उनका घर जानते हैं? उनका घर हम जानते हैं जरूर, लेकिन उनके घर पे कोई रहता नहीं है। सब कहाँ गए हुए हैं? रोहित त्रिपाठी को वैसे हुआ था कैंसर, वो डेथ कर गए। वही इकलौते माँ बाप के थे, इकलौते माँ बाप के थे, और वही बस जब वो डेथ कर गए तो उनके माँ बाप के देखभाल के लिए भी कोई नहीं रहा, और वो भी डेथ कर गए, उनके माँ बाप भी। और उनके माँ बाप जो थे, बूढ़े माँ बाप, उनका देखभाल और दवा सब कुछ वही कराते थे। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे वो, तो उनके घर पे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए। एक मिनट सुनिए। हाँ। उनकी कोई तस्वीर है क्या? हाँ है, रुकिए दिखाता हूँ। इसी में तो था। हाँ देखिए, ये है। अरे यार, तुम्हें क्या हो रहा है? अरे ये तो वही है जिसे मैंने सपने में देखा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? ना मैं उससे कभी मिला हूँ, ना कभी मैंने उसे देखा है, फिर कैसे हो सकता है? आखिर वो मेरे सपने में आया कैसे? सबसे बड़ी बात यही है, आखिर हो कैसे सकता है? कुछ तो बात जरूर है, वो मेरे सपने में आया, स्मोकिंग करने से रोक रहा था मुझे। हाँ ये हो सकता है कि वो मुझे स्मोकिंग करने से रोकना चाहता था। वो सोच रहा था कि जिस तरह उसकी हालत हुई स्मोकिंग करने से, उस तरह किसी और की भी हालत ना हो। हाँ, अब मुझे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए,
तो मेरी भी हालत उसी की तरह होगी। ना मैं स्मोकिंग करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। हाँ, ये सही है। तो आज से स्मोकिंग नहीं।